मजबूर था वो शख्स मगर बेवफा न था। उसकी वफाओं पे हमको इतना है, वो बेवफाई जो करता तो मर गए होते। नासूर कर दिया अलीम भाई, छोटा सा एक जख्म था, नासूर कर दिया। हालात ने चेहरे को भी बेनूर कर दिया। छोटा सा एक जख्म था, नासूर कर दिया। हालात ने चेहरे को भी बेनूर दिया। दिल अब भी कह रहा है कि वो बेवफा नहीं, मजबूरियों ने मुझसे उसे दूर कर दिया। दिल छोटा सा एक जख्म था, नासूर कर दिया। हालात ने चेहरे को भी बेनूर कर दिया। दिल अब भी कह रहा है कि वो बेवफा नहीं, मजबूरियों ने मुझसे उसे दूर कर दिया। हम मजबूर था वो शख्स मगर बेवफा न था। आइए गजल का पहला शेर रख रहा हूं। जंग उसके हार जा शेर फुल जाने दो, मुझे अच्छा लगेगा ताकि मैं मेहनत का पैसा लूं। जंग उसके हार जाने का
अच्छा शेर लग रहा हूँ मुक्तार भाई। संग उसके हारे जाने का बस इतना है सबक, सब कुछ था उसके पास, सब कुछ था उसके पास मगर हौसला न था। सब कुछ था उसके पास, सब कुछ था उसके पास मगर हौसला न था। तो मिसरे जहन में आ गए कि हौसला पैदा करो गम में मुस्कुराने का, हौसला पैदा करो गम में मुस्कुराने का, जिंदगी नाम है हालात से टकराने का, हौसला पैदा करो गम में मुस्कुराने का। शुक्रिया साकिब भाई। जिंदगी नाम है हालात से टकराने का। आइए गजल का दूसरा शेर रख रहा हूँ शकील भाई।
सुनने वालों के लिए। तुम उसकी गुफ्तगू से हो नाराज किस लिए, तुम उसकी गुफ्तगू से हो नाराज किस लिए, तुम उसकी गुफ्तगू से हो नाराज किस लिए। माशाल्लाह इस महफिल में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी है समझाने के लिए। मेरे सामने सभी अहले समझ तशरीफ फरमा है, दानिशमंद तशरीफ फरमा है, शेरों को शेरों तक पहुंचने वाले तशरीफ फरमा है। शेर समाप्त करें। तुम उसकी गुफ्तगू से हो नाराज किस लिए, कड़वा जुबान का था वो, कड़वा जुबान का था वो दिल का पुराना था। सच कह दिया तो सारे ताल्लुक बिगड़ गए, सच कह दिया तो सारे ताल्लुक बिगड़ गए, खुश रंग ख्वाब एक ही पल में उजड़ गए। क्या जाने किस मकाम पे ले आती बेबसी, अच्छा हुआ कि आप अभी से बिछड़ गए। जरदार आज हम हैं तो, जरदार आज हम, जरदार आज हम हैं तो दुनिया करीब है, करीब है। आ, 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 आ,
प्यार समझने में जरा चूक गए। क्या बात है, वाह रे बहुत अच्छे। तुझको है यार समझने में जरा चूक गए हम, तेरा प्यार समझने में जरा चूक गए। तुझको ऐ यार समझने में जरा चूक गए हम, तेरा प्यार समझने में जरा चूक गए। हाय अफसोस तेरी बातों में आने वाले, तेरा किरदार समझने में जरा चूक गए। ये जिंदगी हमारी थी खुद से भी अजनबी, जो टेकवाला से तशरीफ रखते हैं, अभी तशरीफ लाए हैं। मैं चाहूंगा अब्बास भाई जल्दी बैठ जाइए। साकिब भाई, हसन साहब, अब्बास भाई, मुख्तार साहब, जाकिर साहब, जितने भी हमारे मेहमान हैं, साजिद भाई, सादिक भाई, ये जिंदगी हमारी थी खुद से भी अजनबी, जिंदगी हमारी है नहीं, ये थी को निभा रहा हूं सानी में। ये जिंदगी हमारी थी खुद से भी अजनबी, कब तक परदेश में, जब तक परदेश में, जब तक कोई अपना मिला ना था, जिंदगी के खुशनुमा पैकर की याद आई, जब अपनी जिंदगी के खुशनुमा पैकर की याद आई, बहुत रोए हमें परदेश में जब घर की याद आई। जब अपनी जिंदगी के खुशनुमा पैकर की याद आई, बहुत रोए हमें परदेश में जब घर की याद आई। गजल हमने यहाँ छेड़ी, वहां आंखें छलक उठी, बताओ तो तुम्हें भी क्या किसी दिलबर की याद आई, बताओ तो तुम्हें भी क्या किसी दिलबर की याद आई। साकिब भाई ये दो, वैसे तो चार मिसरे हैं, लेकिन आपकी दुआ से ये दो मिसरे बहुत मकबूल हुए हिंदुस्तान भर में, ये मेरा मुकद्दर नाचीज के। अब्बास भाई कहना है कि कहां परदेश मैंने अपनी मर्जी से बसाया है, कहां लोग समझ रहे हैं कि मैं खुशी से जा रहा हूं, नहीं, कहां कहां परदेश मैंने अपनी मर्जी से बसाया, मेरे बच्चों के फाकों ने वतन मुझसे छुड़ाया है, कहां परदेश मैंने अपनी मर्जी से बसाया है, मेरे बच्चों के फाकों ने वतन मुझसे छुड़ाया है, मुझे घर की जरूरत या जरूरत घर को है मेरी, बहुत दिन बाद इस एहसास ने मुझको जगाया है। जब तक कोई परदेश में खुदा मिला ना था, कोई परदेश में खुदा मिला ना था, जब तक कोई परदेश में खुदा मिला ना था।
میں نوجوانوں سے توجہ چاہوں گا. جب تک ہمارا عشق میں ٹوٹا نہیں تھا دل, جب تک ہمارا عشق میں ٹوٹا نہیں تھا دل, جینے میں لیکن مزہ نہ تھا. عباس بھائی چھوڑ دو موبائل, شکیل بھائی دونوں روتے رہے ایسے رخ موڑ دو. اس کی مرضی ہے دونوں کا دل توڑ دو. دونوں روتے رہے ایسے رخ موڑ دو, اس کی مرضی ہے دونوں کا دل توڑ دو. یہ زمانہ تو بس چاہتا ہے یہی میں تمہیں چھوڑ دوں, میں تمہیں چھوڑ دوں تم مجھے چھوڑ دو, میں تمہیں چھوڑ دوں تم مجھے چھوڑ دو. اچھا ماشاء اللہ, اللہ سلامت رکھے. آئیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے غزل کا مقطع سماعت کریں. آخری شعر مقطع کا شعر. شکیل صاحب میں اپنی غزل میں جہاں تک میں یہ مفہوم رکھتا ہوں, جب تک تھا سر پہ ماں کی دعاؤں کا سایہ, سننے والوں کے ذہن سے کبھی جا ہی نہیں سکتے مگر موضوع ہے. ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب منور رانا صاحب کہتے ہیں کہ بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے, بلندی دیر تک کی شخص کے حصے میں رہتی ہے, بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا, میں جب تک گھر نہ لوٹوں میری ماں سجدے میں رہتی ہے.
ये ऐसा कर्ज है जिसको अदा मैं कर नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं, मेरी माँ सजदे में रहती है। अब्बास भाई अजीम ने कहा है कि ये आसमां की दिशाओं से बात करता है, ये आसमां की दिशाओं से बात करता है, परिंदा रोज हवाओं से बात करता है। जबीन झुकाई है जिस दिन से माँ के कदमों पर, मेरा नसीब दुआओं से बात करता है।